झारखंड में कई वर्षों से जमीन का नक्शा का सर्वे नहीं किया जा रहा है, जिससे जमीन से जुड़े कई मामले झारखंड में पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस मामले में झारखंड बार काउंसिल एसोसिएशन के अधिवक्ता के द्वारा पीएलआई दायर की गई है और मांग किया गया है कि झारखंड के कई क्षेत्र में भूमि संबंधी मामले सही तरीके से नहीं आ पा रहे हैं, नक्शा भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं उनका कहना है कि भूमि बंदोबस्ती विभाग में भारी कर्मचारियों की कमी देखी जा रही है। झारखंड राज्य का कि यहाँ पे सर्वे की प्रक्रिया जो है विभिन्न जिलों में लंबित है 50 साल से 60 साल से, जबकि सर्वे का नियम है और हमने एक पीआईएल भी इसके खिलाफ में फाइल किया हुआ है, जिसमें पार्टी सरकार को भी बनाया हुआ है, अन्य विभागों को भी बनाया गया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबको ये सब देखना चाहिए, क्योंकि सर्वे अगर नियमित रूप से नहीं होते रहेगा तो जो आज आप देख रहे हैं हत्या, लोगों की हत्याएं हो रही है, लोगों में जो मार काट हो रहा है, जमीन के लिए जो झगड़ा चलता है, वो रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न ये है क्योंकि सर्वे नहीं हो रहा है। और रैयतों का नाम जो दाखिल खारिज में बदलना चाहिए और जो बदल रहा है वो पब्लिकेशन में फाइनल नहीं आ पा रहा। अब रांची में सर्वे का काम जो है मैं समझता हूँ कि 80 के दशक में शुरू किया गया था, आज आपका 2022 हो गया है, तो 50 साल के करीब में होने जा रहा है, इधर का सर्वे ही नहीं हुआ है। 32 के खतियान की जो बात हम लोग करते हैं, काहे करते हैं, क्योंकि अगर उसके बाद सर्वे हुआ रहता तो ये मुद्दा हमको नहीं लगता है कि उठता। इसी तरीके से पूरे झारखंड में मैं समझता हूँ अभी खाली एक या दो जगह सर्वे फाइनल हुआ है, लोहरदगा का पब्लिकेशन हुआ है, शायद गुमला का होने वाला है, लेकिन बाकी जगह का सर्वे अभी तक नहीं हुआ है। और सर्वे नहीं होना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये एक एसेंशियल चीज़ है माने आम नागरिकों के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि रेवेन्यू का झारखंड